705 regulator, manual battery connector, one charging jack, circuit diagram, 9 volt input voltage and output 5 volt. इस वीडियो में आपको बताऊंगा MLC चार्जर कैसे बनाए जो किसी भी फोन को चार्ज कर सके। सर्किट डायग्राम में जो हमारा इनपुट है 9 वोल्ट है, आउटपुट हमारा 5 वोल्ट है। हम इसमें रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, 7805 रेगुलेटर यूज कर रहे हैं हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, DC वोल्टेज। 5 वोल्ट से हम जैक कनेक्ट करेंगे और जैक की हेल्प से फोन को चार्ज कर लेंगे। जो रेगुलेटर है उसमें फर्स्ट इनपुट होता है, सेकंड ग्राउंड करते हैं बोथ साइड, और जो थर्ड है वो आउटपुट है। जो हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट पिन पॉजिटिव सेकंड ग्राउंड, जो आउटपुट लेंगे थर्ड पिन पॉजिटिव सेकंड ग्राउंड। इनपुट प्रोवाइड करेंगे 9 वोल्ट कनेक्टर से, तो कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पिन में, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड ग्राउंड। रेगुलेटर को कनेक्टर पे माउंट कर दिया, जो कनेक्टर के वायर्स हैं रेड और ब्लैक उसे कनेक्ट करेंगे। अब जो बैटरी कनेक्टर था दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड ग्राउंड। कनेक्टर के वायर्स को सोल्डर कर लिया रेगुलेटर पे, जो जैक है इसे कनेक्ट करेंगे इसमें। जैक को हमने हैंड से काट लिया इसे केबल को, और जो इसके दो वायर हैं पॉजिटिव नेगेटिव, रेड पॉजिटिव ब्लू नेगेटिव, बस केबल में 4 वायर हो सकते हैं। हमें से रेड और ब्लैक को निकाल लेना और बाकी को कट कर लेना, और रेड और ब्लैक पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, रेड पिन नंबर थर्ड, ब्लैक सेकंड। जैक था उसको माउंट कर दिया, तो कनेक्शन कर लेंगे इसका। जो हमारा चार्जिंग जैक था कंप्लीट हो चुका है, 9 वोल्ट टू 5 वोल्ट और देर कनेक्ट हो चुका है, बस आपको प्लग करना है और चार्जिंग स्टार्ट। चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो